अच्छा, यू विन एन होस्ट, यू वर एन एंकर पर्सन, और आप पीटीवी की नहीं है, यू वर एन एंकर पर्सन, देन यू स्टार्टेड मॉडलिंग और फिर आपने एक्टिंग की, और आप, मेरा ख्याल है कि जितने भी टॉप नॉच प्रोडक्शन हाउसेज हैं और वो उसके साथ काम किया, और उनकी जो पब्लिकेशन थी वो टॉप नॉच चैनल्स के ऊपर है. ये एक कर्व है. आई एम श्योर यू वेरी यंग, अभी आपकी वो कोई ऐसी कोई एज नहीं, बिकॉज आई कैन सी, मुझे वो इनके हस्बैंड का पता चला है कि वो और मैं एक ही इंस्टीट्यूशन के हैं, सो उनकी एज से मैंने अंदाजा कर लिया. सो यू वेरी यंग अभी, तो मतलब कि इस एज में मैं हमेशा कहता हूँ गोरा इस उम्र के अंदर 30 में जवान होना शुरू करता है, और हम 30 के अंदर हमारे अंदर डिक्लाइन, मिड एज क्राइसिस और डिफरेंट मुश्किलात आती हैं. सो इन सच अ यंग एज, अभी तो आप अपने वो पिनिकल ऑफ सक्सेस की तरफ चल रही थी, और जो मीडिया का एक करियर है, जब आप उसमें काम कर रहे होते हैं, जब आपको सक्सेस मिलती है, फॉलोअर्स मिलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, सो आप तो एक अलग हवा में होते हैं. अल्टीमेट अनलेस कि आप वो उस लेवल तक पहुंच जाए और आप वो प्लेटो हो जाए, और देन यू लूज योर चार्म, जिस तरह जुनैद जमशेद साहब की मिसाल लें, तो वो उन्होंने मतलब ही हैव सीन दैट सॉर्ट ऑफ चार्म के जब मतलब वाइटल साइंस वॉज अ थिंग, सो मतलब वो गाना गाया तो वो पूरी दुनिया में अभी तक जो है ना वो दिल दिल पाकिस्तान जो है अभी तक चलता है. बट अभी तो आप तो मतलब कि ठीक है, यू वर ऑन द गो, सक्सेस मिल रही थी, मजा आ रहा था. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, इस मजे के फेज में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ? वेल, अब तो ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट माय ट्रांसफॉर्मेशन. बेसिकली मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड आफ्टर माय अम्मास डेथ, व्हेन इन 2021 अम्मी को जब कोविड डायग्नोज हुआ था, और वो 26 दिन हॉस्पिटल में जब मैं अपनी अम्मी के साथ थी. सो आई हैव सीन द फाइट बिटवीन लाइफ एंड डेथ. तो वो जो जोन था, उस जोन में मेरा अल्लाह के साथ जो कनेक्शन बना, आई गेस लाइफ में मैंने कभी इतनी डिटर्मिनेशन के साथ शायद कुरान ना पढ़ा हो जितना मैंने उन 26 दिनों में समझ के पढ़ा. बिल्कुल ठीक. बिकॉज माई मदर वेंट इन कोमा, एंड फॉर द एंटायर 26 डेज जो फेज मैंने देखा, दैट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. सो आफ्टर दैट माई ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज मुझे एक सब्र नहीं आ रहा था दैट हाउ इट हैपेंड, बिकॉज शी वॉज वेरी यंग. सो आई ज्वाइंड ऑनलाइन अकेडमी वेयर माई मेंटोर वॉज नजम शेराज. सो उन्होंने मुझे कुरान के थ्रू सब्र हासिल करना सिखाया, और जब मैंने कुरान को समझ के पढ़ना शुरू किया, देन आई रियलाइज्ड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ. सक्सेस इन दिस वर्ल्ड रियली डजंट मैटर, सक्सेस इन हेयर आफ्टर मैटर्स. और ये दुनिया एक एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में अगर मैं पास हो गई तो जो रिज़ल्ट है वो मुझे आगे जाके मिलेगा. सो द नेक्स्ट जर्नी आई वॉन्टेड टू बी लाइक अ वेरी सक्सेसफुल जर्नी. इस दुनिया की सोच, फिकर ऑल वैनिश्ड, वरना डेफिनेटली जो आपने बात की है कि वी आर टू यंग, सक्सेस का एक नशा होता है दैट वी हैव टू अचीव, था मेरे में बहुत ज़्यादा था, एंड आई वॉज वे टू बोल्ड इन मॉडलिंग, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट. बट वो जो एक फेज था व्हेन आई मेड माय माइंड कि यस, आई हैव टू बी सदका जारिया फॉर माय अम्मा, और मुझे आगे जाकर उस मकाम पे पहुंचना है कि आई शुडंट बी हैविंग एनी रिग्रेट के काश एक और मौका इस लाइफ में मिल गया होता तो मैं दोबारा से जिंदगी में ना बेहतरी करती. एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? आई एम द ओनली सिस्टर एंड आई हैव वन ब्रदर. और आपके भाई का क्या इसके अंदर, जब व्हेन यू वर ट्रांसफॉर्मिंग, एक टाइम होता है ना कि मतलब कि जब जाहिर सी बात है वालदा का एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और पेरेंट्स आर इररिप्लेसेबल, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट वो एक फेज होता है कि आपने एक क्वार्टर, 3 महीने, 2 महीने, एवरीवन हैज टू मूव ऑन, लाइफ हैज टू मूव ऑन. सो जब वो मूव ऑन होती है तो वो जज्बा कम होता है. जिस तरह आप उमरा परफॉर्म करने जाते हैं, एवरीवन गोस, सो वो ज़्यादातर आपके अंदर वो जज्बात इस तरीके के होते हैं. वो यूजली आप उमरा करके दुबई आते हैं, सो दुबई जब आते हैं आपका दिल नहीं लगता क्योंकि आपने वो इतना सुकून और वो पीस देखा होता है. बट वेन यू कम बैक, अब रूटीन की लाइफ के अंदर आते हैं, दिल फिर मैला हो जाता है और आप वही मामला दोबारा करना शुरू हो जाता है जो आप उमरे पे करने से जाने से पहले आप कर रहे हैं. बट वो एक फेस, तो मुझे पता है कि एक जज्बा आपके अंदर आया, आपने वो तमाम जब कुरान पढ़ा, सो यू रियलाइज कि जब पेरेंट्स के लिए, सो एवरी टाइम व्हेन यू प्रेइंग, आप 5 बार की नमाज पढ़ रहे हैं, एनी काइंड ऑफ काइंडनेस की डील है, तो वो उसमें से एक शेयर जो है, सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर वो पेरेंट्स को जा रहा है. एंड इट इज वाइस वर्सा, जब आप किसी गलत काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, सो उसका भी जो शेयर है वो उन पेरेंट्स तक पहुंच रहा है, बिकॉज वो आप उनकी बाय प्रोडक्ट हैं और अपने पेरेंट्स की.
सो ये जज्बा तो सबको ही आता है बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस बोथ माय पेरेंट्स सो अबाउट दे डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड सो वो एक जज्बा और वो तमाम तरह चीज़ें होती हैं बट हु वॉज दी पर्सन जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया और जब कभी ख्याल नहीं आया कि यार अब मैंने कुछ बहुत ज़्यादा क्योंकि हमजा अली बासी आफ्टर एवरी सिक्स मंथ्स वो अनाउंस करते हैं फरोज़ खान ने अनाउंस किया आई एम नॉट जस्ट जोकिंग अबाउट दिस बट ठीक है मतलब मेरा मुझे नहीं पता कि फ़िरोज़ कितना अच्छा मुसलमान है हमजा अली अबासी शायद उन मौलाना हजरात से बहुत बड़ा मुसलमान हो कि जो अपेरेंटली तो लीडर्स लगते हैं दीन के पर शायद उनसे आगे हो इस पे तो कोई राय नहीं कि दिल के मामला तो अल्लाह ही जानता है बट एक तो सपोर्ट किसने किया और कभी किसी पॉइंट पे जाके ख्याल आया कि नहीं यार आई शुड मूव बैक और वो मीडिया एक्टिंग शुरू करती हूँ ठीक है दीन मेरे अंदर है नमाजें पढ़ूंगी अच्छी डीड्स करूँगी मीडिया ज्वाइन करने की जो बात है आई वुड नेवर माइंड ज्वाइनिंग मीडिया अगर इस तरह से एक्सेप्टेंस हो इफ़ प्रोडक्शन हाउसेज एंड पीपल एक्सेप्ट मी विद हिजाब तो वाई नॉट हिजाबीज कैन ऑल्सो होस्ट द शो हमारे यहाँ हिजाब सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन की हद तक महदूद है बाकी दिनों में मतलब हिजाबीज को तो कंसिडर ही नहीं किया जाता और इवन रमज़ान ट्रांसमिशन की भी अगर बात करें तो नॉर्मली हिजाबीज होस्ट को भी कंसिडर नहीं किया जाता दे आर द नॉर्मल होस्ट उन्हीं को दुपट्टा पहना के शो स्टार्ट करवा देते हैं तो मीडिया छोड़ने का कंसर्न मेरा बिल्कुल ये नहीं था कि मैं दोबारा से ज्वाइन बैक नहीं करूँगी अगर मुझे हिजाब में एक्सेप्टेंस मिलती है तो आई वुड लव टू ज्वाइन मीडिया में कोई मसला नहीं है आपको ये लग रहा है कि हमारा मीडिया इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है मतलब कि आप कहते तो हैं कि ठीक है जी वेरी गुड ये सब कुछ देयर इज अ डार्क साइड ऑफ एवरी फील्ड सो डेफिनेटली मीडिया इज रिलेटेड टू ग्लैमर पर आप मीडिया से मेनस्ट्रीम मीडिया को रेफर कर रही हैं मेनस्ट्रीम मेनस्ट्रीम मीडिया की बात चैनल्स की तरफ इशारा कर रही हैं चैनल्स की तरफ भी आई गेस मेनस्ट्रीम में आपके चैनल्स भी आ जाते हैं आपके शूट्स भी आ जाते हैं शुरू कर दें अगर अपना शुरू करना है वो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं वो तो जैसे मेरे इंस्टा पे मेरे व्लॉग्स चल रहे होते हैं मेरी वीडियो सारी लग रही होती हैं अगर आप सर्कस के अंदर अपना शुरू कर सकते हैं क्रिएट योर ओन सर्कस दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ आई क्रिएट माय ओन वीडियोस माय ओन इंफॉर्मेटिव यू नो व्लॉग्स एंड आई एम जस्ट अपलोडिंग देम शायद मेरी उन वीडियो से किसी का फायदा हो जाए एंड सपोर्ट की जहाँ तक बात है या माय फैमिली सपोर्टेड मी मुझे किसी ने नहीं मना किया था बहुत व्हाट वाज योर स्पाउस रिएक्शन मेरी शादी बाद में हुई थी हाँ मेरी वालदा की डेथ सितंबर 21 में थी और मेरी शादी की डेट्स दिसंबर 21 में सही But he was there, na? Wo process he was so... there because we were committed at that time. But mere hijab ki transformation shaadi se pehle hi thi. So mere husband ka reaction as such, he was very much normal. He accepted it ki obviously mera jo ek change hai, that is something jo ke is not against anything. No one can stop you from taking hijab. It's a personal choice. Jis tarah se aap na lene pe kisi ko force nahi kar sakte, usi tarah se lene pe bhi kisi ko force nahi kar sakte.